अगर किसी आध्यात्मिक साधक का जीवन साथी उसकी साधना में सहयोग न दे तो संघर्ष या टकराव होना स्वाभाविक है। ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रश्न। सद्गुरु, अगर किसी का जीवन साथी उसके योग कार्यक्रमों में जाने में राजी न हो तो उसे क्या करना चाहिए और जीवन साथी को इसकी अहमियत कैसे समझाए? सद्गुरु कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपका सपोर्ट करे तो आपको अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया को उनके लिए लाभदायक बनाना होगा। उनको समझ में आना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रक्रिया की वजह से आप में अधिक उल्लास आनंद भर गया है, आप पहले से अधिक खुश मिजाज हो गए हैं। फिर वह खुद कहेंगे, जाओ ध्यान करो, क्या तुमने आज ध्यान किया? लेकिन अगर आपके आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि आप अपने घर वालों से ये कह दे कि आज से मैं खाना नहीं पकाऊंगी, मैं सिर्फ मूंगफली खिलाऊंगी। ईशा में मुझे यही बताया गया है कि भीगी हुई मूंगफली में सब कुछ होता है, तो यह तरीका काम नहीं आएगा। अगर आप अपने आध्यात्मिकता को अपने जीवन साथी के लिए लाभदायक बनाएंगी तो वह रोज आपसे पूछेगा, क्या तुमने अपनी सुबह की क्रिया की? यही आपकी साधना होनी चाहिए। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका अध्यात्म उन्हें फायदा पहुंचाए। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप पहले से अधिक अच्छे इंसान बन जाए। फिर वह यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी सुबह की क्रिया कर रही है और परिवार के लिए उसके अच्छे नतीजे ला रही है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार है जहां अगर कोई 15 मिनट ध्यान करने बैठे तो कोई उन्हें आकर हिला देगा, अरे तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? अगर आप इस तरह की स्थिति में है जहां वे किसी भी नई चीज का विरोध करते हैं, हर छोटी छोटी चीज को लेकर वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई परिवार है। माफ कीजिएगा, मैं बहुत कठोर बात कर रहा हूं, लेकिन इस सच का सामना करना जरूरी है। परिवार का अर्थ है कि दो या चार लोग एक दूसरे की भलाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, वे एक दूसरे की खुशहाली की परवाह करते हैं। अगर ऐसी कोई परवाह आपके बीच नहीं है तो वास्तव में आपके पास कोई परिवार नहीं है। समय आ गया है कि आप इसे पहचानें। धन्यवाद।